मेरी प्रार्थना है आपसे, आप अपने ननंद जो होते ननंद हो या आपके पति का बहन हो, चाहे बड़ी हो या छोटा हो, उनसे खूब प्रेम करना, खूब प्रेम लुटाना, खूब प्यार देना उनको, क्योंकि वो आपकी पति की बहन है। कई घरों में ऐसा सुनने के लिए आता भी है कि जब ननंद घर आती है ना तो भाभियों का मुंह अच्छे अच्छे साड़ी को फिर इसको अंदर अंदर मांगेंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ननंद घर आ रही है ना, कोशिश करना जो तुम्हें प्रिय लगे ना वही साड़ी उनको देना। आप देखे तो देख लिए, आपने अगर उनके पीछे 500 खर्च किया है तो खाली हाथ नहीं जाएगी वो हजार खर्च करके जाएगी इस घर में, लेकर के नहीं जाएगी। और मैं तो सदैव कहता हूं, माता पिता जितना प्रेम देते हैं ना उनसे अधिक प्रेम देने का प्रयास करिए आप। ननंद मत समझिए भैया, अपनी बहन समझिए। और उन सभी सासू मां से भी मेरे निवेदन है, जितने सास के पद पर विराजमान हैं, जब बेटी आती है ना तो हम बहू से व्यवहार बदल लेते हैं। रहना जीवन भर बहू के साथ है, लेकिन अपनी बेटी को लेकर के एक कमरे में मीटिंग हो जाता है। ये काम छोड़ देना। हाँ, उसी घर में अधिक कला होता है मेरे भाई बहन, जिस घर में भेद होता है, एक दूसरे से भेद होता है। बैठ के मीटिंग हो गई, जैसे आ गए बहू के प्रति भावना बदल गया, फिर और मैं तो कहूं उन सभी बेटियों से, जब भी जाओ ना अपनी भाभी की खूब तारीफ करना, बुराई मत करना कभी। कमियां देखने जाते कई लोग ना, ऐसा नहीं हो रहा है पिताजी, अभी तक भोजन नहीं मिला। अरे आप भी तो बेट, आप भी तो बहू हो किसी घर की, आप भी तो धर्म समझी है। सदैव ध्यान रखना मेरा भाई। और अक्सर वही घर समाप्त होता है जिस घर में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जिस घर में बुराई बहुत होती है, एक दूसरे की निंदा बहुत होती है, उसी घर में कंपटीशन अगर होने लग जाए ना परिवार में, एक दूसरे में, किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने लग जाए, समझिएगा भेद उत्पन्न हो गया वहां पर। चाहे कहीं आने जाने में हो, चाहे किसी प्रकार की वस्तु पहनने में हो, प्रतिस्पर्धा जहां है वही भेद है, और जहां भेद है ना फिर वहां मन की दूरियां आ जाती है। और एक बार मन की दूरियां हुई ना फिर जुड़ना मुश्किल होता है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, इन सभी दूरियों को दूर करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, सब मिलकर के भजन करते रहो, बस भजन करो। आपकी बहन आ गई है, ननंद आ गई है, सासू माँ है, आप घर में हैं, एक जगह बैठ के खूब नाम जप करो, खूब भजन करो। मैं सत्य कहता हूँ, मन का भेद समाप्त हो जाएगा। जो फालतू बातें जो हम करते रहते इधर उधर के बारे में, वो नहीं करके भजन करो, कीर्तन करो, नाम लो, भगवान की चर्चा करो, बैठ करके सत्संग करिए, घर बढ़िया हो जाएगा।